अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रोहिल एंड आई एम फ्रॉम काजी इन्वेस्टमेंट। इस बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों में क्या हाइब्रिड गाड़ी लेनी चाहिए या स्मार्ट सिटी में प्लॉट? आज हम इसी को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखें, पेट्रोल प्राइसेस जो डिस्टर्ब हुई हैं वो ग्लोबल सप्लाई चेन की वजह से हुई हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर ह्यूज जो है वो रेज आया, और ये जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब की गई है या हुई है, ये एक साल मिनिमम लेगा इस सप्लाई चेन को ठीक होने में, और इसके बाद भी इस सप्लाई चेन को ठीक होने के बाद भी जो इम्पैक्ट होगा वो ऑलमोस्ट 6 to 7 months इसको नॉर्मल होने में भी लग जाएगा। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ जो है वो तवज्जो देना शुरू की है, बहुत सारी इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली जो फर्म्स हैं उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की है और यहाँ पे वो अभी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इवन आपने बहुत सारी गाड़ियों को ऑलरेडी देखा होगा कि ऑडी आप देख लें इस टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रही है, एमजी ने इलेक्ट्रिक जो कार्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दी हैं। तो लोग उसके साथ साथ, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लगेगा इस प्रोसेस को, इनकी प्रोडक्शन को, तो लोग जो भी करंट गाड़ियां हैं हाइब्रिड कार्स उनकी तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक जंप आने लग गया प्राइसेस के अंदर हाइब्रिड कार्स के अंदर भी। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें अपनी ट्रैवलिंग को स्मार्टली मैनेज करना चाहिए या हमें कोई हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाना चाहिए, या हमें कुछ अपनी लिविंग को ऐसे स्मार्टली मैनेज करना चाहिए कि हम कोई ऐसे एरिया चूज़ करें जहाँ पे हम अपनी रहाइश रख सकें और हमारी जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कवर हो सके। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन देना चाहूँगा कि राइट नाउ इस्लामाबाद पिंडी के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, बड़े से बड़े डेवलपर, उनके पास बाकी तमाम फैसिलिटीज़ तो मौजूद है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें तो मौजूद हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको बनाने में नाकाम रहे, जिसको स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने, हबीब रफीक लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड ने इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे BRT सिस्टम बनाया स्मार्ट सिटी के अंदर अपने मास्टर प्लान में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक बाइक का कंसेप्ट जो है उसको एड ऑन किया। अब जितने भी रेजिडेंट्स स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट ले चुके हैं या कल को आके यहाँ पे प्लॉट लेंगे, उनको ये चीज़ के बारे में बता दूँ कि ये पेट्रोल प्राइसेस और ये सारी चीज़ें तो साथ साथ चलती रहेंगी, लेकिन जो सबसे बड़ी मिसमैनेजमेंट है बहुत सारी सोसाइटीज़ में वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन की है। तो स्मार्ट सिटी में रहने वाले जितने भी हजरात हैं, ये लोग अपनी जो इवन कार्स हैं उनको भी यूज़ नहीं किया करेंगे। आप दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़, डेवलप कंट्रीज़ उठा के देख लें, मैं स्टार्ट करूँगा UK से। आप UK में देखें कि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो अपनी गाड़ी में ट्रैवल करना कम पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो है वहाँ की लोकल जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न है, लोकल ट्रांसपोर्टेशन से आपकी टाइम जो है उसकी बचत हो जाती है, आप क्राउडेड एरिया में इन्वॉल्व नहीं होते, आपको जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ये चूज़ जब आप करते हैं तो कॉस्ट सेविंग हो जाती है आपकी। सेम वे में आप US को देख लें, UAE में देख लें, और पूरी दुनिया में जहाँ पे भी स्मार्ट सिटीज़ बनी हैं उनको स्मार्टली डिज़ाइन किया गया, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंटरनली मैनेज करने की कोशिश की गई है ताकि वहाँ के रेजिडेंट्स जो हैं उनको ये फैसिलिटीज़ दी जाएँ। तो स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग जो हैं, जो फ्यूचर में रहेंगे, उनके लिए तो ये है कि वो बेफिक्र रहें इस चीज़ से। पेट्रोल की प्राइसेस जितनी भी बढ़ जाएँ, कुछ किसी जगह पे भी चले जाएँ, तो आपके जहाँ पे जब आप रह रहे हैं तो स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट ने आपके लिए इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन एक जो है उसका एक सिस्टम बनाया हुआ है। देन आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स का दिया गया है कि आप लेट सपोज पर्सनली ट्रैवल करना चाहते हैं विद इन दिस स्मार्ट सिटी, तो आप अपना पर्सनल कोई भी गाड़ी कार चूज़ मत करें, आप आने वाले टाइम में स्मार्ट सिटी के दिए गए वो इलेक्ट्रिक बाइक्स को यूज़ करेंगे। तो मैं ये फैसला जो है व्यूअर्स पे छोड़ूंगा कि वो स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट लेना लेकर आने वाले टाइम में एक अपनी सस्टेनेबल लिविंग उसको सिक्योर करना चाहते हैं, या वो करंट जो पेट्रोल प्राइसेस हैं इसको देखते हुए गाड़ियां स्विच करना चाहते हैं, हाइब्रिड से इलेक्ट्रिक की तरफ जाना चाहते हैं।
مزید تفصیلات کے لیے قاضی انویسٹمنٹ کے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. تھینک یو سو مچ.